सो यहाँ पे हमारी जो कुल देवी की पूजा होती है आप लोग कई बार देख चुके होंगे, तो वही पूजा यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे मैंने बनाए हैं छोले पूड़ी एंड खीर, इसी का हमारे यहाँ भोग लगता है। तो वैसे तो अष्टमी को मतलब साल में जो दो बार नवरात्रियाँ आती हैं, ऐसे तो चार बार आती हैं, लेकिन हम लोग दो अष्टमियों को इस तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन मैंने अभी एवरी मंथ में एक बार स्टार्ट कर दिया है कि इस तरीके से मैं कुल देवी की पूजा करती हूँ। तो हमारे यहाँ पे बिना लहसुन प्याज के सफ़ेद चने बनते हैं, ब्लैक भी आप बना सकते हो। और यहाँ पे देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना, भगवान मतलब ऐसा लग रहा था कहीं नज़र ना लग जाए। एक तो भगवान इतने सुंदर और फूल में और चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बच्चों को सिखा रहे हैं पूजा करना। पूजा तो ठीक है, करो मेरे को भगवान को दूर से छिड़क देता चलेगा। यहाँ पे मेरे बच्चे और हम सब परिवार मिलके पूजा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। एक्चुअली बच्चों को हर धार्मिक चीज़ों में मैं जब इन्वॉल्व करती हूँ, जो भी हमारे कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जो हमारे घर की परंपरा है, वो सब चीज़ों में जब मैं बच्चों को इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो मुझे एक अलग सी खुशी मिलती है कि हाँ मैं मेरी जो आगे का जो है हमारी जो घर की परंपरा है, हम उन्हें आगे बच्चों तक फॉरवर्ड कर रहे हैं और आगे उनके भी वो अपने बच्चों को फॉरवर्ड करें। तो एक अलग सा अच्छा लगता है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ, बट लेकिन अच्छा है मेरे बच्चों को इस तरीके से। अगर धर्म में आस्था रहेगी, भगवान को प्रति आस्था रहेगी, तो उनका जीवन बहुत सुखमय रहेगा और सारे ही जो हमारे कुल देवी देवता हैं, पितृदेव हैं, उन सब के आशीर्वाद से हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा। और ये देखिए भगवान सीरियसली बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैं बार बार इसलिए भगवान का वीडियो ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड श्लोक से पूजा करवा रहे हैं। देवी की पूजा करिए तो खीर पूड़ी और सब्जी का भोग लगता है। तो ये मेरी देखो गाढ़ी गाढ़ी खीर साबुदाने वाली, और ये गाढ़ी इसलिए होती है मैं कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड करती हूँ, आप चाहो तो कंडेंस मिल्क भी ऐड कर दो तो एकदम रबड़ी जैसी बनेगी। और ये है छोले बिना लहसुन प्याज के। को आ रही आवाज वो लड़कियों को भी प्रॉब्लम लग ले इधर आ जी आ गया जाओ गाड़ी आ गया आ गया आ गया गोटू कोई मेरी तरह हो रहा है वो भी एक से लाया तो ढूंढ के चला रहा है यहां से पीछे से सीट में से ढूंढते निकल रहा है। मैं जाता रहूं कलेक्ट कर लूं आकर हां करो मेरे गोदी में इसको दे दो मैं इसको। एक्चुअली श्लोक ने मिट्टी उठा के मुंह में रख ली थी, तो बस वो जो दांत से कुड़कुड़कुड़ कर रहा था तो उससे हम लोग बहुत इरिटेट हो रहे थे, तो वही हम अभी उसके मुंह से निकलवा रहे थे। और ये देखिए जिया के कुछ स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आए थे, उसको कुछ मटेरियल चाहिए था स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छी स्टेशनरी है, बहुत बड़ी स्टेशनरी है, तो वही मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वीडियो लिया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ घर का सामान लेने के लिए, तो ये शॉप बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको सारी मतलब फॉरेन की जो आइटम्स होती है ना वो भी यहाँ मिल जाती है। देखिए कोकोनट मिल्क है यहाँ पे, आलमंड मिल्क है और सोयाबीन का मिल्क है, और सारे फ्रोज़न आइटम हैं, वेज नॉन वेज यहाँ पे, मतलब प्रॉन्स भी मिलते हैं चिकन और मटन के, और बहुत सारे मतलब चिकन हाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। मतलब जितनी भी फ्रोज़न आइटम है, जितनी बेरीज जो स्पेशली फॉरेन कंट्री में होते हैं, सारे अलग अलग तरीके के जो स्पाइसेस होते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक वन मतलब वन डेस्टिनेशन में आपको सब चीज़ें मिल जाती है। देखिए मैं आपको छोटा छोटा ये नॉन वेज का है, सॉरी आप जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा देखने में, पर यहाँ पे सारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे वो ब्लैक वाटर भी मिलता है, और पता नहीं दो तीन तरीके के अलग अलग भी बहुत कॉस्टली जो पानी होता है ना वो पानी की बॉटल भी मिलती है। सारे यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक और अलग अलग तरीके के सारे ड्रिंक थे, एंड साथ में जो तोफू होता है ना लाइक पनीर की तरह होता है, पनीर जो होता है वो दूध का होता है, एंड तोफू होता है वो आई थिंक सोयाबीन का होता है,
तो वो टोफू वगैरह भी था और सारी अलग अलग तरीके की नेशनल इंटरनेशनल सारी ब्रांड यहाँ पे मिलती हैं। तो जिस किसी को भी मतलब आना हो तो जैसे चांदखेड़ा साबरमती एरिया में न्यू सीजी रोड पे शॉप है, आई थिंक नाम तो मैं भूल गई कि क्या था, बट यहाँ पे पोदार स्कूल के पास में ही है जस्ट, तो बहुत ही अच्छी शॉप है, एक बार विज़िट करिएगा, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, सारी तरीके के ब्रेकफास्ट, सारे तरीके की सीरियल्स जो आती है, चॉकलेट्स आती है, कोल्ड ड्रिंक आता है, केचप्स, सॉस और सब कुछ, मतलब ए टू जेड। तो बस यहाँ पे ये देखिए फ्रीज़र में सारी फ्रोज़न आइटम वगैरह हैं, तो अगर आप नियर बाय कहीं रहते हैं और आपको शॉप में कुछ अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं जस्ट गई थी और मुझे अच्छा लगा, वही आपसे शेयर कर। खाली दो सेकंड की देख ली, तो मेरी डाइट अच्छी होगी लेकिन बता दांत क्यों ऐसे नहीं खा पा। अच्छा वाली ही देना, मन तो हो रहा है, खाओ खाओ, वो बहुत पसंद। अच्छा से बांध दो ना। ए, ये बच्चों के लिए ले ले, वो ले ले चमचम, ये बच्चे क्या क्या मेरे को एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे बच्चों का था। चेरी बाना है। पैकेट कितने का भैया? चेरी का 65। चेरी का 150 रुपये। ये 65 से 150 नहीं, ये टूटी फूटी का है ना, ये 65 का आता है, ये चेरी का नहीं। नहीं चेरी नहीं चाहिए, ये नहीं चेरी नहीं, नहीं वो टूटी फूटी भी वो बेकार होती, टूटी फूटी चाहिए बेकार होती, ये नहीं अच्छी लगती। अरे नहीं मजा आती चेरी तो मत लेना, टूटी फूटी है ना, आप एक दे दो ना मेरे को मीठा पेन। चेरी आप कितनी भी खा सकते राइट, कड़वी लगने लगती है वो पपीते की। चेरी कोई नहीं खाएगा मत, उसमें मिठास चलती है चाशनी, ये होता है नेचुरल स्वीटनेस, फर्क है बहुत फर्क है। पर वो तो मत लेना, वो नहीं चाहिए। लो भाई नहीं, वो भी नहीं चाहिए, ये ले रही हूँ 5। बोल रही अभी बच्चे खाएंगे, खाते तो हैं ऐसे, खाएंगे चेरी खाएगी या टूटी फूटी खाएगी? टूटी फूटी क्या होती है ये देखो भाई, छोटे छोटे से चेरी मालूम है चेरी क्या होती है? बहुत खाती थी सुन लिया नहीं, मैं खा नहीं पाऊंगा, दांत चालू है।
ये देखिए मैं आई थी मेरे मामा के घर पे, और यहाँ पे देखिए जो नाना का प्यार होता है बच्चों को लेके वो अलग ही लेवल का होता है। तो यहाँ पे बस स्वीटू भी प्यार कर रही है और मामा बहुत देर से मस्ती कर रहे थे।